सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का चौथा दिन आज जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। आज ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का चार दिवसीय गोरखपुर दौरा। संघ के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मोहन भागवत। 25 मार्च को यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे लखनऊ के अटल स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ के अटल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी के लिए बनाया गया हेलीपैड। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। यूपी चुनाव में हार के बाद एसपी आरएलडी गठबंधन में सिर फुटोबल शुरू। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने इस्तीफा दिया। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने इस्तीफे के बाद जयंत चौधरी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बताया घमंडी। सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी बरसे मसूद अहमद। कहा राजभर की ऊंची भाषा से नुकसान हुआ, राजभर को समझा नहीं सके अखिलेश जैन। गोरखपुर में संघ प्रमुख से मिले योगी आदित्यनाथ। आरएसएस कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक हुई बातचीत। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी ने जारी की एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू को टिकट दिया। बोले रविशंकर, विपक्ष की गर्मी निकल चुकी है, एमएलसी की सभी सीटों पर बीजेपी जीतेगी। उत्तराखंड में 21 मार्च को शपथ ग्रहण संभव। देहरादून में आज हो सकती है बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। चुनाएगा विधायक दल का नेता। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। हार की समीक्षा करने में जुटी है कांग्रेस पार्टी। 21 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचेंगे उत्तराखंड। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समेत वरिष्ठ नेता समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी हुई मुलाकात। भगवंत मान का पहले कैबिनेट में बड़ा फैसला। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। 1 महीने में निकलेंगी नौकरियां। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जानकारी दी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम भगवंत मान को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, लोगों को बेहद खुशी होगी कि उन्होंने सही सरकार चुनी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जापान के पीएम फुमियो किशिदा। अलग 5 साल में भारत में निवेश को बढ़ाकर 3,20,000 करोड़ करेगा जापान। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक समेत कई अलगाववादी नेताओं पर यूएपीए के तहत आरोप तय। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए की चार्जशीट को सही ठहराया। रूस यूक्रेन जंग का 25वां दिन आज। रूस के हमले में यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेन का शहर शहर मलबे में तब्दील।